हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ विद क्लैरिटी। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। सो आइए बिना कुछ देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के डिस्कशन की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 4 जुलाई 2021 में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बैन किया गया यूज़ करना या फिर पोजेशन में रखना ड्रोन्स को। ड्रोन एक अनमैंड एरियल व्हीकल है जो कि टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारणवश 2 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल इंजर भी हुए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ऐसा कृत्य एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि वो सिक्योर कर पाए ऐसे एरिया जो कि हाईली पॉपुलेटेड है या फिर ऐसे एरिया जहां पर सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग्स ज़्यादा होती हैं, वहां पर किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो उसके जीवन का या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के डैमेज का नुकसान ना हो, ये प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कृत्य किया जा रहा है। ऐसा कृत्य जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसीलिए भी किया गया होगा जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके नेशन की प्राइवेसी को। इस स्टेटमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये भी बोला गया कि पर्सन जिनके पास ऑलरेडी ड्रोन कैमरास पोजेशन में हैं, वो लोग डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे टू दी लोकल पुलिस स्टेशन, एंड अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जैसे कि सर्वेज के लिए, सर्विलांस इन एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड डिजास्टर मिटिगेशन सेक्टर के लिए अगर ड्रोन्स यूज़ करते हैं, सो उन्हें पहले पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं, ओनली देन वो अलाउड होंगे ड्रोन्स का यूज़ करने के लिए। इससे पहले भी राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन किया था यूज़ करना और पोजेशन में रखना ड्रोन्स को। ड्रोन एक ऐसी शॉर्ट रेंज एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी DRDO द्वारा इंडिपेंडेंस डे के दिन, जिसकी वजह से DRDO ये अश्योर कर पाया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी मेंटेन रहे। आइए अब जानते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, चार्जेस के बारे में जिसके अकॉर्डिंग FIR फाइल की गई है इस एक्ट के अगेंस्ट। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह द्वारा बताया गया कि FIR फाइल की गई इस एक्ट के अगेंस्ट, जिसमें कि चार्जेस मेंशन हैं सेक्शन 18, 16, 23 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट एंड सेक्शन 307 एंड 120B ऑफ IPC। इन चार्जेस को मेंशन करते हुए FIR फाइल की गई इस एक्ट के अगेंस्ट। इस न्यूज़ को देखने के बाद हमको ये बहुत अच्छे से पता पड़ रहा है कि किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही किया जाता है। जैसे कि DRDO द्वारा ड्रोन इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था जिससे कि वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को मेंटेन रख पाए इंडिपेंडेंस डे के दिन, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ड्रोन्स का इसीलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि वो प्रॉपर वे में एग्जैक्ट सिचुएशन देख पाए ग्राउंड लेवल पर, जो कि बेनिफिशियल है फॉर दी नेशन। ऐसे कृत्य करने के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा यूज़ है, बहुत ही बेनिफिशियल यूज़ है फॉर दी नेशन। बट उसके साथ साथ ड्रोन्स का मिसयूज़ भी किया जा रहा है, जैसे कि टेररिस्ट द्वारा किसी भी नेशन की प्राइवेसी को हर्ट करने के लिए, इंटीग्रिटी को हर्ट करने के लिए, कोई भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो कि पनिशेबल एक्टिविटी है, ऐसे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। तो इससे हमें बहुत अच्छे से पता पड़ता है कि किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का कुछ लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और कुछ लोग उसी टेक्नोलॉजी को मिसयूज करते हैं। सो आइए जानते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो कि टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रकार से मिसयूज होने से बचाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के बारे में। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एक ऐसा बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है हर्ट होने से नेशन की सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का मेन ऑब्जेक्ट
सिर्फ इतना है कि वो प्रोटेक्ट कर पाए सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कमेटी अपॉइंट करती है, जिसका की नाम नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलाइजेशन है, जिसको इतनी पावर है कि वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा सके कि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटी को परफॉर्म ना करे जिससे कि किसी भी प्रकार से सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी हर्ट हो नेशन की। आइए जानते हैं सेक्शन 16 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। सेक्शन 16 बात करता है पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट अटैक की, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई टेररिस्ट अटैक करता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, सो वो टेररिस्ट लायबल होगा डेथ पनिशमेंट के, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के और फाइन के लायबल भी वो व्यक्ति होगा। और अगर ऐसे टेररिस्ट अटैक की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु भले ही ना हो पर टेररिस्ट अटैक हो, सो ऐसा कृत्य करने पर टेररिस्ट लायबल होगा 5 साल तक की पनिशमेंट के, जो कि एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और फाइन के लिए भी वो व्यक्ति लायबल होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है जो कि किसी भी प्रकार से टेररिस्ट अटैक करने की साजिश का एक्ट हो, या ऐसा कोई भी टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है प्लानिंग करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, हेड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए या इंस्टिगेट करने के लिए कोई भी प्रकार के टेररिस्ट अटैक को कमिट होने के लिए, सो ऐसा कृत्य करने पर व्यक्ति लायबल होगा 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 10 साल तक भी, और वो व्यक्ति फाइन के लिए भी लायबल होगा। आइए जानते हैं सेक्शन 23 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में, जो कि बात करता है इनहैंस्ड पेनल्टीज की, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति असिस्ट करे किसी टेररिस्ट को, टेररिस्ट ग्रुप को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके अंतर्गत आने के पश्चात वो व्यक्ति के पास पजेशन आ जाए किन्हीं ऐसे वेपन्स का जो कि इलीगल है अंडर एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इम्फेबल सब्सटेंस एक्ट 1952 और आर्म एक्ट 1959। इन सब एक्ट्स के अंतर्गत जिन वेपन्स का पजेशन होना इलीगल है और वो पजेशन उस व्यक्ति के पास पाया गया, सो ऐसा कृत्य करने पर वो व्यक्ति लायबल होगा 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 10 साल की इम्प्रिजनमेंट में भी, और वो व्यक्ति फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 23 क्लॉज 2 बात करता है अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली एड करता है किसी टेररिस्ट को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट गैंग को अटेम्प्ट करने के लिए या अबेट करने के लिए, या किसी भी प्रकार से ऐसी प्रिपरेशन करने के लिए जिससे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रीच कर पाए उन एक्ट्स की, जो कि क्लॉज 1 सेक्शन 23 में बताए गए, ऐसा कृत्य करने पर व्यक्ति लायबल होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के, जो कि 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। आइए बात करते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1883 के बारे में। इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इलीगल पजेशन रखता है हैजार्डियस वेपन्स का, वो व्यक्ति लायबल होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट के लिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी भी क्राइम को कमिट होने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि मटीरियल, मनी, प्रमाइसिस और अदर असिस्टेंस, ऐसे किसी भी प्रकार की हेल्प करता है ऐसा कोई क्राइम कमिट होने के लिए, सो वो व्यक्ति भी सीवियर पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। जैसे कि आइए जानते हैं सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग एक्सप्लोजन लाइक एंडेंजर ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज करता है, एक्सप्लोजन करता है, जिससे कि एंडेंजर हो सके लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग और सीरियस इंजरी क्रिएट हो सके, प्रॉपर्टी को डैमेज हो सके, ऐसा कृत्य करने पर वो व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के, भले ही डैमेज हुआ या नहीं हुआ, पर वो व्यक्ति ऐसा कृत्य के लिए ये लायबल होगा पनिशमेंट के, जो कि लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि नॉट लेस देन 10 इयर्स है, और वो व्यक्ति लायबल होगा फाइन के लिए भी।
सेक्शन 3 क्लॉज भी बात करता है, अगर कोई व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी का एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज करता है जिसके कारणवश किन्हीं व्यक्ति के जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, भले ही वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को यूज करने के पश्चात नुकसान पहुंचे या नहीं पहुंचे जीवन के अधिकार को या फिर प्रॉपर्टी को, बट ऐसा कृत्य करने पर व्यक्ति लायबल होगा सीरियस पनिशमेंट्स के लिए, जैसे डेथ पनिशमेंट के लिए या फिर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और फाइन के लिए भी वो व्यक्ति लायबल होगा। सेक्शन 120B ऑफ IPC बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पैरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पैरेसी की बात करते हैं जिसके अंतर्गत क्लॉज 1 में बताया गया, अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पैरेसी करता है ऐसे ऑफेंसेस की जिनकी पनिशमेंट सीरियस पनिशमेंट है, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस या फिर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म 2 ईयर्स और अपवर्ड, ऐसे किसी भी ऑफेंस की जिसकी पनिशमेंट इतनी सीरियस है, उनका क्रिमिनल कॉन्स्पैरेसी करने का पनिशमेंट ऐसा माना जाएगा जैसे कि अबेटमेंट करने का पनिशमेंट हो। हालांकि क्रिमिनल कॉन्स्पैरेसी की पनिशमेंट ऑलरेडी मेंशन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति लायबल होता है 6 महीना की इम्प्रिजनमेंट के लिए, फाइन और बोथ। उन ऑफेंसेस की जिनकी पनिशमेंट सीरियस नेचर की हैं, उन ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पैरेसी की पनिशमेंट ऐसे मानी जाएगी जैसे अबिटमेंट की पनिशमेंट। आइए बात करते हैं सेक्शन 307 ऑफ IPC के बारे में, जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली नोइंगली ऐसे सर्कमस्टांसेस में है जहां पर कि उसको ये पता है कि अगर वो सामने वाले व्यक्ति को मार देगा तो वो व्यक्ति लायबल रहेगा डेथ पनिशमेंट के, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पनिशमेंट के, या फिर ऐसी पनिशमेंट के जो कि 10 साल तक की जेल के लिए भी हो सकती है, फाइन के लायबल। इतना सब कुछ जानने के पश्चात भी वो व्यक्ति ऐसे एक्ट को करता है, और अगर ऐसे एक्ट के करने के पश्चात कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं मरता, उसको किसी प्रकार का हर्ट होता है, सो व्यक्ति लायबल होता है डेथ पनिशमेंट के, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट के लिए। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने जाना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, सेक्शन 16, सेक्शन 18, सेक्शन 23 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1883, सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1883, सेक्शन 120B एंड 307 ऑफ IPC। अगर ये आपको सेशन आज का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे फिर मिलेंगे कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।